स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। आपको बता दूं, यहां पे आप जो सुपरवाइजर भर्ती को लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं और इसमें हकीकत आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो बजट पिछले अभी कल परसों में जो मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए पेश किया, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं कि लोग पूछ रहे हैं बार बार, इससे आंगनबाड़ियों का पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मोदी जी का बजट है तो सभी को उम्मीदें लगी हर राज्य में कि हमारे राज्य में पैसा मिलेगा या नहीं, तो वो भी सारी समस्याएं आपकी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी कि कैसे बजट बढ़ा है, किस किस चीज़ के लिए बढ़ा है, किस हिसाब से बढ़ा है और क्या क्या हो सकता है उससे, वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ पहले जो बिहार में जो भर्तियाँ हैं खासकर सुपरवाइजर की, उन बहनों की समस्याएँ बहुत ही ज़्यादा जटिल हैं, आप लोगों को अभी हम दिखाते हैं। ये हमारे पास विज्ञापन हमारे भाई बहन के जरिए भेजा गया बिहार से। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, हर बार कहता हूँ, ताकि हमारा वीडियो हर किसी के पास तक पहुँच जाए। तो सच्चाई ऐसी होती है जो अन्य यूट्यूबर नहीं दिखाना चाहते, ना ही मीडिया दिखाना चाहती, ना ही सरकार को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता, क्योंकि सरकार खुद चाहती है आप लोग गुमराह रहें। हकीकत यही है, आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये जो लेटर बार बार सुपरवाइजर की भर्तियों को लेकर के बदले जा रहे हैं, जो विभाग है आपका ICDS बिहार में, वो बार बार ऐसे लेटर जारी कर रहा है। अभी आप लोगों को पिछले बार दो बार उन्होंने लेटर जारी किए थे, जिसमें कभी मई में भर्तियां आनी थी, कभी जून में वो भर्तियां कर रहे थे, लास्ट डेट तक दे दी थी, और अभी जुलाई स्टार्ट हो गई, जुलाई में अब फिर से उनका कहना है 5 तारीख से जो है भर्तियाँ स्टार्ट होंगी। ये देख लीजिए, आवेदन प्राप्त करने की तिथि 5/7/2019, 5 जुलाई से बता रहे हैं 25 जुलाई तक होंगे, मतलब हद होती चली जा रही है। ये क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझ लीजिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जो भी बहनें परेशान रहती हैं भर्ती कब आएगी मेरे ज़िले में, देखिए ये निदेशालय से लेटर जो भी सूचना होती है जारी किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं निदेशक ICDS जो आपका निदेशालय बिहार पटना की तरफ से, यानी कहने का ये मतलब है आपका निदेशालय एक है आपके बिहार राज्य में, वहाँ से लेटर कुछ जारी होते हैं तो सभी जिलों के लिए जारी करते हैं। ये सूचना अगर ये निकाली गई कि इतने इतने तारीख को हो जाए, अब बाकी का जो कार्य जो दायित्व है वो सभी जिलों अपना काम कैसे कर रहे हैं, क्या उनके जिले की जो वेबसाइट है वो ऑन हो चुकी है या नहीं, ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन जिला स्तर के NIC जो वेबसाइट होती है आपकी, उस पर किए जाएंगे, यानी कि जो आप www. आपका जिले का नाम डाल दीजिए, फिर NIC.in लगा दीजिए, उसके बाद में आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो इन चीज़ों पर आपको अपनी जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो पूर्ण करनी है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, बहुत सी बहनें कहते हैं लिंक दे दो। भैया आप तमाम ज़िले हैं, हर ज़िले की अलग अलग अपनी अपनी ज़िलों की वेबसाइट है, अपनी ज़िले की वेबसाइट पर जाएं, अपने ज़िले का नाम डालकर www पहले लिखे, उसके बाद ज़िले का नाम, उसके बाद में NIC.in लगा दीजिए, उसके बाद आपके ज़िले की वेबसाइट खुलेगी, उस पर आपको भरने हैं। लेकिन वहाँ पर भरेंगे तब ना जब उनका वहाँ पे जो बोला जाता है फॉर्म भरने की एक जो प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण करने के लिए जो एक ऐप टाइप का तैयार करना होता है या वेबसाइट तैयार करनी होती है, कहने का ये मतलब समझ लीजिए, जिस पर उनको आवेदन लेने होते हैं, क्या वो कार्य आपके पूर्ण कर लिए हैं विभाग के या नहीं, वो कार्य हो नहीं पाते, इस वजह से बेचारे निदेशक जी बार बार निदेशालय से लेटर निकालते रहते हैं कि भर्तियाँ जल्द से जल्द करो, लास्ट डेट इतनी है, ये है वो है, लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं है, सुनते नहीं है, आप लोग को देख ही रहे। कई बार मैंने उत्तर प्रदेश से भी लेटर दिए, वहाँ पर निदेशक जी ने फटकार लगाई, क्योंकि जो लेटर वो जारी करते वो पढ़ते ही नहीं है, उनसे ज़्यादा तो यहाँ पर ऑल इंडिया वाले पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, हम सब लोग पढ़ लेते हैं, हकीकत यही है। तो बहनों परेशान मत होइए, अभी भर्तियाँ आपकी हुई नहीं है, कहने का यह मतलब है बार बार सरकारें जो निकाल रही हैं तारीखें, उन पर भर्तियां अभी कराई नहीं गई, विज्ञापन चालू नहीं कर पाए सरकारें, ये काम चोरी कहें या एक सरकार की कही जाए, कारण ये है कि इतने दिन से बार बार दो दो बार अगर लेटर निकाले जा रहे हैं, फिर भी निदेशक जी की बातों को गंभीरता से जिलाधिकारी ले नहीं रहे, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी सॉरी जो बोले जाते हैं आपके विभाग के विभागीय अधिकारी, उन पर पहल नहीं करना चाहते, तो ये एक गलत बात है, जिस चीज़ को लेकर के बार बार उनका यही कहना है, और ये बार बार रिक्तियों को लेकर के पद निकाले जा रहे हैं लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही हैं। तो बहनों उम्मीद करता हूँ हमारी बिहार की जो भी बहनें वो समझ गई होंगी, आपके वहाँ बार बार सरकारें बदल रही हैं कि आप फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप बताया जा रहा कि 5 तारीख से भरे जाएंगे, यही 5 तारीख जो आपकी कल परसों में थी,
तब से 25 तारीख तक। अब ये भी देख लीजिए, और ये इन चीज़ों को लेकर के लिंक बार बार लिंक लेने से कुछ नहीं होगा, आप लोग अपना गूगल पर जाइए आराम से, अपने ज़िले की जो लिंक है उस पर ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे और भी जो जानकारी है वो भी दे सकता हूँ, और इसको इस चीज़ को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया भी था, पूरा वीडियो था वो हमारा, रिक्तियों के रोस्टर बिंदु तैयार करने के पश्चात महिला पर्यवेक्षक के नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन जिला स्तर के NIC की वेबसाइट पर प्राप्त किए जाएंगे। इन चीज़ों को मैंने बता भी दिया था, और नीचे हेल्प डेस्क नंबर भी लिखा हुआ है, संपर्क किया जा सकता है। उनका कहना है अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला प्रोग्राम कार्यालय अथवा, तो ये कार्यालय के लिए नंबर भी यहाँ पे आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है, चाहे तो आप वीडियो रोक लें, अपना नंबर करके खुद ही पूछ लें। ये चीज़ें हमें मिली हैं और भाइयों बहनों के द्वारा भेजी गई, साथ ही साथ जो मैंने आपको लेटर दिखाए थे वो तो दिखाए ही थे। अब चलते हैं अपनी उन बातों पर, हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ ये तस्वीरें हमारे पास भाइयों बहनों की लगी हुई हैं, जिनको मैं आने वाले अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट 17% बढ़ा है, ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बजट में अब देख लेते हैं किसके लिए बढ़ा है और क्यों बढ़ा है। बजट में सामाजिक सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए महिला एवं जो बाल विकास मंत्रालय के लिए 29,000 करोड़ रुपये की राशि अलग से निर्धारित की गई है। लिखने वालों की लिखावट को पढ़िए, यानी कि अलग से 29,000 करोड़ नहीं जारी किए गए, 24,000, 23,000, ऐसे तो बजट हर साल हर सत्र में जारी ही किया जाता है, बढ़ाया तो सिर्फ 4,000 गया है। वो किस लिए बढ़ाया गया वो भी बता देते हैं, लेकिन ज़रूरत इससे ज़्यादा थी बढ़ने की। ये मान के चलिए वो बजट आपका ज़्यादा नहीं मिला है, बजट आपको कम मिला है उल्टे, ये बहनों आपको खुद समझना होगा। अभी मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा, इस वीडियो के साथ ही, यानी कि इनका कहना इस घोषणा के साथ ही सामाजिक सेवा क्षेत्र के साथ 2018-19 के वित्तीय वर्ष में इस बार 17% की बढ़ोतरी की गई है। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए आवंटित कुल राशि जो 2018 से 19 में 2,551 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2019 से 20 में 4,117 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें पोषण और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शामिल है। केंद्रीय मातृत्व जो और बाल जो संरक्षण सेवाओं के कार्यक्रम को भी बजट में बढ़ावा मिलेगा, उनका कहना। तो 4,000 बता रहे इसके लिए, लेकिन मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, बहनों का जो 1500 केंद्र सरकार ने अभी तो बढ़ाया था ना, 2018 से 19 का जो सत्र चल रहा था बजट, उसमें बढ़ा था, तो उसमें 1500 बढ़े थे, इससे बहुत ज़्यादा भार आएगा केंद्र सरकार पर। तो ये 4,000-2,000 जो कह रहे हैं बढ़ जाएगा इससे, और ये खुद ही कम है, जो इन्होंने बढ़ाया वो खुद ही कम है। वो मात्र वो 1500 बढ़ोतरी जो अभी अक्टूबर में हुई थी, वही पूरे करने के लिए, जो वही पैसा अगर हमारी सभी राज्यों में पहुंचा दे सरकार, वही बहुत बड़ी बात है। तो वही पैसा समय पर इनका पहुंच नहीं पाएगा, ये भी देख लेना आने वाले समय में, क्योंकि बजट इतना कम है। 1500 जो बढ़े हैं पूरे देश में बढ़े हैं, और वो बजट काफ़ी होना चाहिए था, सरकार ने और भी कम रखा है यहाँ पे, एक तो देखते हुए इन चीज़ों को। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ पे देख बाल संरक्षण पर बता रहे जोर, तो यहाँ पे उनका कहना है बाल संरक्षण सेवा योजना के बजट को 925 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये छोटी छोटी जो सरकार अपनी योजनाएं चला रही है आप लोगों के जरिए, इन चीज़ों को समझिए। आंगनबाड़ी के लिए नहीं बढ़ाया गया मानदेय, और मानदेय के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकार अपनी योजनाएँ चला रही है, जो भी कार्यक्रम मनवा रही है, उसमें पैसा लगाने के लिए थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, उसको बढ़ा चढ़ा करके ये मीडिया दिखा रही है, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पर कहना चाहूँगा, उनका कहना वही राष्ट्रीय पोषण अभियान जिसका लक्ष्य कम वजन शिशु दर पर रोक लगाना, खून की कमी को दूर करना, जिसका लक्ष्य 10 करोड़ लोगों को योजना का लाभ देने के लिए 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जब इतने इतने रुपए इसमें ही लगे हैं, 3,400 करोड़ रुपए इन लोगों के लिए लगे, 4,000 अभी उसमें बता दीजिए, तो पैसे तो सब इसी में हो गए ना, तो हमारा मानदेय कहाँ जाएगा जो 1500 सरकार ने अक्टूबर में बढ़ाया था केंद्र सरकार ने। 18,000 की तो बात भूल ही जाइए, जो लोग उम्मीद लगा करके बैठे कि इस बजट में हो सकता है हमारा 18,000 हो जाए, क्योंकि दिखाने वाले बहुत से हैं आज के टाइम पर यूट्यूबर जो आपको गलत दिखा देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये बजट मात्र आपके 1500 वो अक्टूबर में बढ़े हुए केंद्र सरकार ने जो बढ़ाए हैं सभी राज्यों में मिल जाए, उसी के लिए ही पर्याप्त नहीं है, यानी कि उसी के लिए ही कम है, वही पूर्ति नहीं कर पाएंगे इस बजट के जरिए। तो इन चीज़ों को समझिए, हकीकत यही आपके सामने मैंने रख दी खोल करके, अब आपकी मर्जी। रही बात भर्तियों की, तो भर्तियां आप देख रहे हैं हर राज्य में भर्तियां होनी है, हर कोई जानता है, क्योंकि 10-10 साल 5-5 8-8 साल हो गए कहीं भी भर्तियां बाल विकास वगैरह में आराम से निकाली नहीं गई, एक दो ऐसे ही भर ली गई होंगी गलत तरीके से, तो वो भर ली गई होंगी, बाकी जो राज्यवार भर्तियां वो नहीं निकली। अब 10 साल बाद मान लीजिए यूपी में भी आने वाली है, कब से निदेशक जी बार बार लेटर जारी कर रहे हैं कि पहले सेवा समाप्ति करो उसके बाद में भर्तियां जल्दी निकालो, सरकार चाहे तो 2 मिनट में अभी आर्डर मारे आदेश मारे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती कि नए पदों पर भर्तियों को सृजन किया जाए और लोगों को हमारी जेब से पैसा और दिया जाए।
तो ये भी चीजें समझने लायक हैं। जैसे ही हालत बिहार में इतने दिन से आप देख रहे हो, बार बार भर्तियों को लेकर के एक दो बार लेटर भी आए जो उनके वहाँ से विभाग के तौर पर जारी किए गए, उसमें भी लिखा था अंतिम तिथि इतनी होगी और इतनी तारीख से आवेदन हो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, जितना आवेदन हुए डेट निकल गई, फिर से ये चीज़ें देखने को सोशल मीडिया पे मिल रही हैं, अब फिर से भर्तियाँ होंगी, ये सब कुछ होगा और बहनें बेचारी परेशान हैं। अगर आवेदन होते तो बहनें परेशानी क्यों होती, मैंने एक बार वीडियो दिया था सेम का समय पर अगर भर्तियाँ हो जाती तो आप लोगों को अपने अपने ज़िले में खुद ही ऑनलाइन करवा लेते फॉर्म, लेकिन जब आपके वहाँ के जो विभागीय अधिकारी है वही कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आगे भर्तियां कैसे हो पाएंगी। या तो सरकार की भी मंशा इसमें नहीं है कि वो भर्तियां करना चाहे। ये आराम से मैंने वीडियो बनाया इसलिए ताकि रात का समय आप लोग दिन में वीडियो देख रहे हैं और मुझे रात के अभी 3 बजे होंगे या 2:30 बजे होंगे तब वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें, साथ ही साथ ये हमारी कुछ बहनें हैं जिनके द्वारा उनके केंद्र की जो तस्वीरें भेजी गई उन्हें हम दिखाना चाहते हैं। ये आप देख लीजिए, ये हरदोई जिले से बहन है और साथ ही साथ रितु मिश्रा जी हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे पास और भी बहनों की जो तस्वीरें हैं वो अगले वीडियो में साथ ही साथ आएंगे। इस वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 11 मिनट का हो चुका। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं।